आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है और आज हम सीखेंगे स्नेक फाइट, जिसको आप बोल सकते हो नाग की फाइट, सांप की फाइट। जनरली आपने देखा होगा हमारे एक बहुत बड़े एक्टर हैं बॉलीवुड के, मिथुन चक्रवर्ती जी, और इनके अलावा आपने देखा होगा चाइनीज फाइट्स में वो जानवरों की तरह लड़ते हैं। तो ये फाइट्स से होते हैं, जैसे स्नेक फाइट हुआ, टाइगर फाइट हुआ, तो इस तरह से जानवरों की फाइट के ऊपर ये फाइट है। तो आज हम देखेंगे कि स्नेक फाइट से किस तरह से हम अपना बचाव कर सकते हैं और किस तरह से शॉट कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा डेंजर फाइट है मेरे दोस्तों, तो इसलिए इसका प्रयोग आप रियल लाइफ में कभी ना करें, सिर्फ आप अपने बचाव के लिए इसका यूज करें, कभी किसी पर से अटैक ना करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्नेक होता क्या और कैसे इसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए, आप जैसे कराटे में खड़े होते हैं वैसे भी खड़े हो सकते हैं। कराटे में जल्दी कैसे खड़े होते हैं, ऐसे। इसमें क्या होता है, स्नेक बनाना है तो आप ऐसे स्नेक बनाएंगे। ये देखिए, ये आपकी जो उंगलियां रहेंगी हल्की सी फोल्ड रहेंगी, ये फोल्ड रहेंगी और ये स्नेक बन गया। ये जो फाइट होती है बहुत ज्यादा डेंजर होती है, ये आप इससे किसी तरह लड़ सकते हो। अब हम जिससे जब मारेंगे तो कैसे मारते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे कि कितने प्रकार के शॉट आप इससे कर सकते हो और कहां कहां पर से शॉट करते हैं, स्नेक फाइट को किस तरह प्रयोग किया जाता है। तो मिस्टर शिवा, इसका जो प्रयोग करेंगे, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कराटे की फाइट सिखाया है, तो जैसे हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं कराटे की फाइट, तो अलग अलग प्रकार से हम रोकते हैं, लेकिन आज हम सीखेंगे कि स्नेक फाइट से किस तरह से सामने वाले व्यक्ति के प्रहारों को रोकेंगे और आप अपना अटैक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा पीछे खिसकेंगे। हाँ, एग्जाम्पल के लिए आप इस तरह से खड़े हो जाते हैं और सामने वाले व्यक्ति अगर आपको मारता है, एग्जाम्पल के लिए आप मुझे इस तरह से स्नैप करेंगे, इस तरफ से करिए, ये देखिए, आप इस तरह से रोकेंगे, दोबारा कीजिए, या फिर रोका कि सांप तैयार होना चाहिए। ये आप याद रखें, कोई भी आप ब्लॉक करते हैं, ब्लॉक करने के बाद स्नेक तुरंत बन जाना चाहिए। अब इन्होंने मारा, दोबारा मारिए और इसके साथ अटैक भी हम करेंगे। यस, ये देखिए नाग तैयार है, ये बना और आप यहां मार सकते हो। और ये इतना हैवी पंच होता है, हैवी मतलब वार होता है, एक किसी को मार दिया तो हो सकता है वो मतलब मर भी सकता है, तो आप इसका प्रयोग बिल्कुल ना करें। ये देखिए, इन्होंने यहां रोक दिया मैंने और ये यहां मार दिया। दूसरा, आप पंच मारिए सामने, ये देखिए, ये मेरे नाग ऐसे थे, तो जब ये मारेंगे, यस मारिए, ये देखिए, और ये नाग तैयार है, ये वाला पंच मारिए, इस तरफ से जो मारते हैं नीचे से मारे, ये देखिए यहां रुका, या फिर आप ऐसे भी रोक सकते हो, स्नेक तैयार है। अब इस तरह से आप रोक सकते हैं, आपको ऊपर से मारता है ऐसे, तब कैसे मारेंगे, मारिए, ये देखिए, ये इससे रोक भी सकते हैं और इसका अटैक बहुत खतरनाक होता है। ये देखिए, दोबारा मारिए, ये देखिए, और अगर नीचे से मारता है कोई व्यक्ति तो देखिए इधर से मारिए, ऐसे भी रोक सकते हैं, इधर से मारिए, ऐसे भी रोक सकते हैं, देखिए तो कैसा ब्लॉक हो गया, ये ये ये, ऐसे आप इससे भी कर सकते हो, ऊपर नीचे ऊपर और लेफ्ट राइट कुछ भी कर सकते हो, इस तरह से हो सकता है, यहां से भी रोक दिया और प्लस स्नेक से भी रोक दिया। अब इसके शॉट देखते हैं हम कैसे मारते हैं। देखिए, शॉट सामने वाले व्यक्ति को जब मार रहा है तो आप एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि स्नेक को जब उनको मारते हैं तो शरीर की जितनी कमजोर जगह होती है वहां पर स्नेक का शॉट किया जाता है। अगर आप स्नेक का शॉट लड़की के जांघ में करेंगे तो आपकी उंगली टूट जाएगी, लेकिन वहां ज्यादा लगेगी नहीं, उसे हो सकता है लगे भी तो बहुत कम। या मान लो स्नेक का अगर किसी के यहाँ शोल्डर में हम मारते हैं तो ज्यादा नहीं लगेगी उसे, राइट, वो वार को सह जाएगा। लेकिन इसका प्रयोग आपने यहां कर दिया गर्दन में, देखिए ये स्नेक बनाया और आपने स्नेक को आंख में मार दिया तो दोनों आंख टूट सकती है। स्नेक को आपने गर्दन में मार दिया तो गर्दन ये यहां व्यक्ति मर जाएगा, ये अगर मैंने स्नेक की फाड़ियां मार दी तो मर सकता है, दोनों ऐसे घुस जाएगी गर्दन के अंदर उंगलियां, या फिर इसकी नाक में ऐसे घुसा और इसको ऐसे खींच दिया तो नाक फट जाएगी,
या फिर कान में ऐसे डाल दिया कान में, तो ये कान फट जाएगा बिल्कुल। दूसरा आपको बताता हूँ इसकी सबसे बड़ी डेंजरस ट्रिक्स, आजकल की मूवी में भी दिखाया जाता है, ये देखिए ये इतना टाइट हो जाता है पंजा, और इसको आपने ये मार दिया, ये गर्दन, ये जो दिमाग होता है बहुत कमजोर होता है, और यहाँ ये दोनों घुस जाएगा बहुत जम के लगती है, एक बार में आदमी मर जाएगा। तो लड़के लोग नॉर्मली लड़ाई करते हैं, ऐसे मार दिया, ऐसे मार देते हैं, तो छेड़ा ऐसे मार देते हैं, तो ये लड़ाई मतलब होती, इससे आदमी मरता नहीं। लेकिन जब कराटे का आपने प्रयोग कर दिया, स्नेक फाइट थोड़ा प्रयोग कर दिया, तो इंसान जान से मर सकता है। तो आपको समझ में आ गया कराटे में स्नेक फाइट कैसे करते हैं, आप पहले बनाना सीखो और कहीं भी शॉर्ट कर सकते हो, और मारना है आप पीछे गए, स्टेप्स में आपको बताया था, स्टेप आप कर सकते हैं, पीछे हटना हो तो ऐसे, आगे हटना हो तो ऐसे, साइड में होना तो ऐसे, राइट में ऐसे, मूवमेंट किस तरह कर सकते हैं, ये मूवमेंट आप कोई भी कर सकते हैं, और मारने के लिए आप इसको पेट में मार सकते हो, गर्दन में मार सकते हो, आंख फोड़ सकते हो, ये जो नाक है इसको उंगली घुस के अंदर जैसे खींच दो नाक फट जाएगी, कान में खींचे तो कान फट जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे कितना डेंजरस फाइट होती है, इससे आप रोक भी सकते हो और मार भी सकते हो, दैट इज कॉल्ड स्नेक फाइट। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इस तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहे, धन्यवाद।